Hi, I am Jyoti and welcome to my channel Jyoti Educational Center. Continuous हमने finish कर दिया है. आज हम passive voice में पढ़ेंगे present perfect के बारे में. तो without wasting any time, let's start. सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती थी tenses के time पर. मैंने यह काम किया जा चुका है, चुकी है, चुके हैं. तो इसमें बस क्या लग जाएगा passive voice में? जा चुका है, जा चुके हैं, या गया है, लिया है, लिया है, दिया जा चुका है, लिया जा चुका है. ठीक है, इस टाइप से जाना लग जाता है. लेकिन गोवेंट वाला नहीं, मैं फिर से बोलूंगी. अब तक तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लंबी हो गया होगा. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ. इसका स्ट्रक्चर टेंसेस में एक्टिव वॉइस में क्या होता था? सब्जेक्ट लगाते थे, हैज या हैव लगाते थे, और इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती ही थी. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव वॉइस में कुछ और आएगी, थर्ड फॉर्म ही रहेगी. ये होता था. अब इसके पैसिव वॉइस पर आ जाइए. पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. अब तक आपको लर्न हो गया होगा, आप 5 ऑलरेडी पढ़ चुके हो पैसिव वॉइस. इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी भी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है, हैज बीन और हैव बीन, या हैज बीन या फिर हैव बीन, थर्ड फॉर्म. और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं भाई, बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट. अपने आप सही कर लिया होगा अब तो आप लोगों ने. हो गया, तो देखते हैं सेंटेंसेस. ही हैज ईटन एन एप्पल. वह एक सेब खा चुका है, उस या फिर उसने एक सेब खाया है. तो क्या होगा? एक एप्पल उसके द्वारा खा लिया गया है. फिर से लिया गया लग जाएगा बीच में. या फिर एक एप्पल उसके द्वारा, वह एक एप्पल उसके द्वारा खा लिया गया है, लिया गया है. या तो जा चुका है या फिर लिया, अगर लगता है लिया है, दिया है लगता था, लिया गया है. तो चलिए आ जाते हैं, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा इधर. और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज बीन. तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एन एप्पल भी आपका हैज के साथ ही फिट हो रहा है ना, सिंगुलर है. तो हैज बीन, इसके बाद ईटन, इसके बाद सब्जेक्ट बाय, और ही से हिम कैसे आ गया? आपको अब तक लर्न हो गया होगा पजेसिव केस क्या होता है, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ही का. सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं हिम, और अगर ये हिम होता और उसको ऑब्जेक्ट बनाते तो ही. ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बुक. मेरी किताब खो गई है. सैड न्यूज, मेरी किताब खो गई है. मेरी बुक खो चुकी है मेरे द्वारा, या मेरी बुक खोई जा चुकी है मेरे द्वारा, खोई जा चुकी है, जा चुकी है मेरे द्वारा. तो माई बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इधर आ गया. ठीक है, अब इसके बाद हैज बीन. अब इसमें तो लेकिन हैव लग रहा था, क्योंकि हाई के साथ तो हैव लगता है ना, लेकिन ये सिंगुलर माई बुक है, इसके साथ तो हैज लगेगा. ये आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा. एक्टिव पैसिव में हम, एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते थे, और इसमें हम देखते थे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. माई बुक हैज बीन लॉस्ट बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी. माई बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी. ये हो गए आपके अफर्मेटिव. अच्छा, अब मैं इसको ही चेंज करके यहाँ पर, ये क्या कर रही है मैम? कुछ नहीं कर रही भाई, मैं इसी को ही नेगेटिव लिख रही हूँ. तो नेगेटिव में बस नॉट लगता है, तो इधर तो नॉट, इधर लग जाता था हैज नॉट. लेकिन इधर आपकी दो पार्ट में है, हैज और वीन, तो उसके बीच में लग जाएगा, यानी कि वीन से पहले हैज या हैव नॉट बी. अभी तक आपको लर्न हो गया वो इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, तो इसी में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन. तो चलिए, ही हैज नॉट, बस ये नॉट लगा लेना है. ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल हैज नॉट, an apple has not been eaten by him. I have lost my book. मेरी बुक नहीं खोई है, मैं झूठ बोल रही थी. तो my book has not been lost by me. कुछ इस पर समझाने की जरूरत नहीं, अब तक आपको लर्न भी हो गया. Now interrogative sentences. Interrogative में सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस हम कैसे पढ़ते थे.
हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी मैं बात करूंगी आपके सिंगल इंटरोगेटिव की, फिर मैं बात करूंगी डबल इंटरोगेटिव, तो दोनों टाइप के इंटरोगेटिव के आंसर्स मैं कवर करूंगी। फिर सब्जेक्ट आता था, वो आपकी थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या चेंज होगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन, तो दो पार्ट में होती है। तो सबसे पहले इसमें हैज या हैव देखेंगे, हैज या हैव में से कुछ लगा देंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। टेंसेस में सेकंड पार्ट कहाँ लगता था, सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर लग जाएगा इसका सेकंड पार्ट वी, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, हैज ही ब्रोकन दिस पेन, क्या उसने यह पेन तोड़ा है या तोड़ दिया है। अब इसका पहले पैसिव वॉइस में बनाइए हिंदी में, क्या यह पेन उसके द्वारा तोड़ा जा चुका है, जा चुका है, ठीक है। अब ये कवर करके आप अपने अपने ही, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो फर्स्ट पार्टी हम हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे हैज, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इधर, दिस पेन, हैज दिस पेन, ठीक है, और इसके बाद बीन। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन का ब्रोकन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी रहती है, ब्रोकन बाय, और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें नॉट हो, जैसे हैज ही नॉट, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता था, तो इसमें कहां नॉट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद, बात वही आ गई, इधर सब्जेक्ट के बाद जो चलता है इधर वो चलेगा ऑब्जेक्ट के बाद, हैज दिस पेन नॉट बीन, तो नॉट में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हैज ही नॉट ब्रोकन दिस पेन, हैज दिस पेन नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके लिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर है, बस आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ से हटा के देखिए। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड बस पहले लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बस, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। देखते हैं, देखिए, क्वेश्चन वर्ड हैज है सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हैज है ऑब्जेक्ट, बताइए कुछ, बस आगे यही लगा दिया है, तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस पेन, तुमने ये पेन क्यों तोड़ दिया है, क्यों तोड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह पेन तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया है, इसका सब में गो वाली साउंड ही आती है, तो वाई। इसके बाद, अच्छा सबसे पहले अब मैं इसी का इसमें लिखती हूँ, वाई है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन देखिए यहाँ तो यू के साथ हैव ठीक बैठ रहा है प्लूरल, लेकिन यहाँ दिस पेन के साथ हैव ठीक बैठता नहीं, तो मैंने आपको क्या बोला था, इधर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो इधर ऑब्जेक्ट आएगा, तो इधर हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर बता रही हूँ, व्हाई हैज दिस पेन, इसके बाद बी लग जाएगा बच्चों को, बट ब्रोकन बाय यू, सीधा साधा यू का यू ही रहता है। अच्छा, अगर हम इसमें नॉट और लगा दे, व्हाई हैव यू नॉट ब्रोकन दिस पेन, तो इधर भी कहा जाएगा व्हाई हैज दिस पेन नॉट, सब्जेक्ट के बाद, और इधर नॉट लगता है ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगी, मेरी कोई भी वीडियो आप बीच में मिस मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन कर दिया, चलिए हम डायरेक्ट परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप हर मैं धीरे धीरे आपको बताती गई हूँ, जैसे कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट का आता है तो मैं बिना एक्सप्लेन किए आपको सॉल्व कर देती हूँ कि ये आपने पहले पढ़ा था, तो मेरी वीडियो वन बाय वन पढ़ते जाइए, और पैसिव वॉइस से पहले टेंसेस को अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, इसके बाद ही आप पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, आपको बहुत इजी पड़ेगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, तो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।